दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना होगा कि आपने YouTube वीडियो में बेस्ट टैग कैसे यूज करोगे, जिसके बाद आपको वीडियो YouTube पर रैंक करेगा, YouTube पर अपलोड वायरल होगा। सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, जब तक आपने वीडियो में बेस्ट टैग यूज नहीं करोगे, तब तक आपको वीडियो ना ही YouTube पर रैंक करेगा, ना ही आपको वीडियो YouTube पर वायरल होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने वीडियो को YouTube पर रैंक करवाना, YouTube पर अपने वीडियो को वायरल करवाना है, तो मेरे इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। दोस्तों आज की इस वीडियो आपको बताना है कि अपने YouTube वीडियो के लिए बेस्ट टैग कैसे फाइंड कर सकते हो, उसको यूज कैसे करोगे, जिसके बाद आपको वीडियो YouTube पर रैंक करेगा, YouTube पर आपको वीडियो वायरल होगा। सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना, और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पहली बार है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको बेस्ट टैग यूज करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। अगर ये दोनों तरीकों को आज अच्छी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो बहुत आसानी से अपने वीडियो को यूट्यूब पर आप रैंक भी करवा सकते हो, बहुत आसानी से अपने वीडियो को यूट्यूब पर वायरल भी कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक एक बार आप पूरा जरूर देखना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या, बेस्ट टैग यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को कर लेना ओपन। आपको गूगल जो ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिख के सर्च करना है रैपिड टैग्स, इतना लिख के कर देना है सर्च। ठीक है, ध्यान से हर स्टेप को देखते जाओ दोस्तों। इतना लिख के जब सर्च कर दोगे, यहाँ पर देखिए रैपिड टैग्स एक ऑफिशियल वेबसाइट आपका आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना दोस्तों, इसी में आपको कर लेना है क्लिक। इसमें जब क्लिक करोगे दोस्तों, आगे देखिए इस प्रकार से कुछ इंटरफेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेड कलर में लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ यू टैग जनरेटर। सिंपली क्या करना दोस्तों, इसी में करना है क्लिक। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आगे इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए दोस्तों, एक बॉक्स आ रहा है सर्च का। तो यहाँ पर क्या चीज लिखा है, एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो भी कंटेंट का वीडियो अभी बनाया है, वो कंटेंट का जो भी टाइटल आपका रहेगा, टाइटल यहाँ पर लिख के सर्च करना है। जैसे दोस्तों मान के चलिए दोस्तों, हमने वीडियो बनाया सब्सक्राइबर कैसे बनाए, तो यहाँ पर आपको लिख के सर्च करना सब्सक्राइबर कैसे बनाए, इतना लिख के करना है सर्च। अगर आपको कोई दूसरा वीडियो बनाया, जैसे बनाया मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाए, तो यहाँ पर लिख के सर्च करना है मटर पनीर की रेसिपी। इस तरह आपको कंटेंट लिख के सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख के सर्च करता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के कर देता हूँ, इतना लिखता हूँ, उसके बाद कर देता है इसको सर्च। इतना लिखने का सर्च में किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर टैग आ रहा है, और यहाँ पर जितने जो भी टैग आ रहा है दोस्तों, सभी के सभी दोस्तों रैंक करने वाला टैग आ रहा है। अगर इस टैग को दोस्तों अपने वीडियो में यूज करोगे, तो आपको वीडियो 100% नहीं 200% आपको वीडियो यूट्यूब पर रैंक करेगा, अगर आपको वीडियो वायरल होगा। लेकिन दोस्तों इस टैग को यूज कैसे करोगे, सबसे पहले ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान से देख लो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टैग तो आ रहा है, इतने सारे टैग को अपने वीडियो में यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टैग यूज करने का वहाँ पर परमिशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर यूज कैसे करोगे ध्यान से वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टैग तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर में दिखता है ये सब कीवर्ड को अपने टैग बना लेते हैं। तो आपको गलती से भी इसे ऊपर में जो दिख रहा है सब कीवर्ड को टैग आपको नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सब जो टैग आपको दिख रहा है, ये सारे टैग को दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर ऑलरेडी पहले से इसको यूज कर चुका है। अगर इसको आप यूज करोगे दोस्तों, आपको वीडियो यूट्यूब पर कभी वायरल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई दोस्तों यहाँ पर लिख के सर्च करेगा सब्सक्राइबर कैसे बनाए, ये सब कीवर्ड लिखेगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, यूट्यूब वहाँ पर सबसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर रहेगा, उसको वीडियो वो पहले रिकमेंड करेगा, आपको वीडियो वहाँ पर ऊपर में नहीं दिखाएगा। जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपको वीडियो कभी व्यूज नहीं आएगा, आपको वीडियो कभी वायरल होगा नहीं। तो आपको यूज कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको करना का थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर क्या करना दोस्तों, जो नीचे जो कीवर्ड आपको दिख रहा है, इसमें दोस्तों एक सब इस ये वाला यूज कर लेना है, ये सब यूज कर लेना है, ये सब यूज कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जो बड़े बड़े यूट्यूबर रहता है, वो सब नीचे का कीवर्ड यूज नहीं करता है, वो सबसे पहले टॉप में जो रहता है वो सब यूज करता है। तरवाई दोस्तों, अगर आपको नीचे वाला कीवर्ड आप यूज करोगे, क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी वहाँ पर यूट्यूब में जाकर सर्च करेगा 1000 सब्सक्राइबर कैसे बनाए, तो यूट्यूब आपको वीडियो को वहाँ पर रिकमेंड करेगा, तो आपको वीडियो को ऑटोमेटिक वो देखेगा। अदरवाइज दोस्तों, अगर पहले कोई दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप लिखे, यहाँ पर ऊपर वाला टैग बना देते हो अपने वीडियो में, आपको वीडियो यूट्यूब वहाँ पर पहले रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों, आपको सबसे पहले पहला टॉप में आपको ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, आपको जो नीचे दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे ये सब जो नीचे आपको दिख रहा है, तो पहला एक लगा लेना, दूसरा लगा लेना, तीसरा लगा लेना, चौथा भी लगाना, पांचवा लगा लेना, छठा भी लगा लेना। ठीक है, इस प्रकार से नीचे वाला कीवर्ड को आपको लगाना, अपने टैग बनाना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, ये सब लोगों को YouTube पर जाकर लिख के सर्च करेगा ये सब कीवर्ड को, तो आपको वीडियो को YouTube वहां पर रिकमेंड करेगा, और लोग आपको वीडियो को देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको व्यूज बढ़ना शुरू होगा, और आपको वीडियो YouTube पर वायरल भी बहुत आसानी से होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, ये सब तो टैग बना सकते हो, लेकिन दोस्तों एक चीज आपको और करना है, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो कॉपी ऑल टैग दिया है, इसे पूरा ऑल कॉपी टैग कर लेना, अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ये सब टैग को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहां पर यूज इसको करेगा दोस्तों, क्या होगा, इसके आगे आगे दोस्तों इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देखिए क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन यूज करोगे, वहां पर देखिए इस तरह से डॉट डॉट इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो डॉट डॉट को अपने से कट जरूर कर लेना, तभी ये सब कीवर्ड दोस्तों आपका काम करेगा आपको वीडियो में। ठीक है, तो ये चीज अपने ध्यान जरूर कर लेना। ठीक है, और जिस तरह से मैंने टैग को यूज करने के लिए यहाँ पर बताया दोस्तों, उसी तरीके से टैग यूज करना अपने वीडियो में। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर आप पहला पॉइंट में टैग को कभी भी गलती से यूज नहीं करना, नहीं तो आपको यूट्यूब पर कभी भी रैंक नहीं होगा, आपको यूट्यूब पर कभी वायरल भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहला तरीका बताया, इस तरीके से दोस्तों इस वेबसाइट से दोस्तों आपने यहाँ से टैग यूज करना, आपको वीडियो 100% यूट्यूब पर रैंक करेगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका था दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, यहाँ से इसको आ जाते हैं बैक।
आप क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने यहाँ से YouTube चैनल को ओपन करेंगे, ठीक है। ध्यान से इस प्रोसेस को देखना दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों आप बहुत बेस्ट टैग को आप फाइंड कर सकती हो, ठीक है। आपको YouTube चैनल जो ओपन हो जाएगा दोस्तों, करना का आपको देखिए लोगों में क्लिक करना और यहाँ पर वो टर्न ऑन इनगोटी कर देना अपने YouTube चैनल को, ठीक है। यहाँ पर एक फ्रेश YouTube चैनल को ओपन कर लेना, उसके बाद करना क्या दोस्तों, आपका जो भी कंटेंट देगा आप आपको सर्च बार में क्लिक करना और यहाँ पर अपना कंटेंट लिख के सर्च करना। जैसे मैं लिख के सर्च करता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इतना लिख जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर देखिए कीवर्ड यूट्यूब ने भी कमेंट किया है, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड से दोस्तों अपने टैग यूज कर सकते हो, यहाँ से भी कीवर्ड को अगर अपने टैग बनाओगे सब कीवर्ड को तो आपको भी वीडियो दोस्तों यूट्यूब पर बहुत आसानी से रैंक करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सब जो कीवर्ड आपको दिख रहा है, ये सब कीवर्ड को दोस्तों फिलहाल में यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने सब कीवर्ड को सर्च किया है, तो अगर ये सब कीवर्ड को दोस्तों अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के टैग में यूज करोगे तो आपको वीडियो बहुत आसानी से रैंक भी करना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज गलती नहीं करना, ऊपर में जैसे टैग आपको दिख रहा है ये सब टैग आपको कभी नहीं बनाना है, सब कीवर्ड को गलती से भी टैग नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ ये सब टैग को, ये सब जो कीवर्ड आपको दिख रहा है ये सबको दोस्तों ऑलरेडी बड़े बड़े यूट्यूबर ने यूज कर चुका है, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे से जो ये सब जो कीवर्ड दिख रहा है ये सब कीवर्ड को आपको यूज करना है। जैसे लिखना है दोस्तों यहाँ पर देखिए, लिखना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं ऐप, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं लाइव, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं टेलीग्राम से, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं ऐप से, ये सब कीवर्ड को आपको यूज करना है, ठीक है। इसको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको आपने देगा स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से अपने वीडियो में इसको यूज कर लेना आप, ठीक है। आपको जो भी कंटेंट देगा दोस्तों अपने कंटेंट के रिलेटेड से यहाँ पर आपको लिख के सर्च करना, जैसे मैं यहाँ पर लिख के सर्च करता हूँ मटर पनीर की सब्जी, इतना लिखा, यहाँ पर देखिए बहुत सारा इसका भी रेसिपी आ जा रहा है। तो आपका जो भी कंटेंट रहेगा उस तरह से कंटेंट आपको भी लिखना है, वहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड आ जाएगा, लेकिन टॉप का कीवर्ड आपको कभी भी उठा के अपने वीडियो में टैग नहीं बनाना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगर आप टॉप को कीवर्ड को अपने वीडियो में दोस्तों अगर टैग बना दोगे तो आपको वीडियो कभी भी यूट्यूब पर रैंक नहीं करेगा, ठीक है। आपको जो नीचे जो कीवर्ड देखेगा और नीचे जो कीवर्ड रहेगा वही सब कीवर्ड को आपको यूज करना है, क्योंकि देखो दोस्तों ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएंगे ये सब चीज, ये सब जो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताएंगे दोस्तों उसको वीडियो को दोस्तों अगर आप नहीं देखो, क्योंकि आपका वीडियो अगर वायरल हो जाएगा, अगर आप पॉपुलर हो जाओगे तो उसको वीडियो को आप देखोगे नहीं, तो इसलिए बड़े बड़े यूट्यूबर ये सही चीज नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को यूज करो दोस्तों, आपको डेफिनेटली आपको वीडियो यूट्यूब पर रैंक करना शुरू हो जाएगा, आपको यूट्यूब पर वायरल होना शुरू भी हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करना दोस्तों, आपको 100% रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको बताया वीडियो को इंटरेस्ट लगा, वीडियो इंटरेस्ट लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पहली बार आया और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब मैं अगला और वीडियो को पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले, उस वीडियो को आप देख सको। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।